नहीं मनलिन जी, इससे गलती हो गई। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसको माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज। ये कैसा भाई है जो अपनी बहन से बार बार सॉरी बुलवाता रहता है? आज ना हद ही हो गई है। मम्मी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांग देती हूँ। प्लीज अपनी मम्मी को मत बुलाना, वो आएंगी तो खामखा बात और बिगड़ जाएगी। देखो मैं नहीं चाहती कि पाठ वाले दिन घर पे कोई भी तमाशा हो, इसीलिए वार्न कर रही हूँ कि मेरे घर के किसी भी रूम के आसपास भी मत दिखाई देना। जाओ अब यहाँ से। ओए, तू इतने क्या कर रही है? और अब ऐसे हाफ रही है जैसे मैराथन दौड़ के आई हो। चंगी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी जनरेशन को। ये पाठ पे न बैठने के बहाने है ना, उधर आधी बाहर है, इधर तुम यहाँ खड़ी हो। चल भाई मेरे साथ, चल पाठ पे जाना है। बड़ों की बात मानी चाहिए, चल। पहले इनके व्याह में हमारी कम बेइज्जती हुई है, जो आज तो फिर इतना बड़ा क्लेश होने से बच गया तू। वाहेगुरु जी ने हमारी इज्जत रख ली। किन्नी तू अपनी गल छाड़, तू मेरी गल सुन। पहलवान के सोच, जिस लड़की को मैंने देखा वो सिमरन प्रीति सी नहीं थी। तू एक दो दिन ठहर जा, हर दूसरे इंसान में ना तुझे सिमरन प्रीति नजर आएगी। फ्रेंड के बारे बताया भी नहीं तुमने, बस फ्रेंड ही है ना। ये आदि ने सैम को चीमा फैमिली के सामने क्यों बिठा दिया? ताकि चीमा फैमिली को शक हो जाए। एक बात कह रहा हूं, अगर चीमा फैमिली को थोड़ा सा भी शक हुआ ना, हमारी सारी बिजनेस प्लानिंग फेल हो जानी है। मैं तुमसे यहां शादी का प्रॉमिस लेने आई हूं, और वो भी हक से। और हक ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये बच्चा तुम्हारा है आदित्य राज सिंह। ये हमारा बेबी आदित्य, हाई नजदीकियों का प्रूफ। मेरी सोए, पीछे वाले दरवाजे से घर जा। गोल्डी तन मेरी सोए, पीछे वाले दरवाजे से घर जा। सिमरनप्रीत की जुदाई ने गोल्डी को कमला बना दिया। गुरु जी तेरा शुक्र है, आज यहां हमारी इज्जत बचाने के लिए। थैंक यू जी, कच्ची इतनी गर्म हो गई है कि ऐसे। मुबारक हो, आपके घर गुरु महाराज जी पधारे, आपके दारजी ने आपके लौटने की खुशी में शुक्राने का पाठ रखवाया है। किचन में कोई मदद चाहिए? नहीं जी, तुसी जाओ। सतनाम शिवा है गुरु, सतनाम
एक सवाल पूछूं? इफ इट्स ओके. तुमने गुरबानी पढ़ी है? हाँ जी, मेरा हर दिन गुरु ग्रंथ साहिब के हुक्म अनुसार बीते, बस यही कोशिश रहती है मेरी. नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला. एक और सवाल पूछूं? अगर कोई इंसान दो राह पे खड़ा हो, यहां से उसे आगे का रास्ता तो नजर आ रहा है, पर सही रास्ता कौन सा है ये पता नहीं, तो इस सिचुएशन में गुरबानी क्या कहती है? पापा जी सवेरे शाम पाठ करते हुए बताते थे, जिंदगी की स्कूल में वो कर्म ही हमारा आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और खुद को सवारने और सीखने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें एक के बाद एक मौका देती है. आपके सवाल के जवाब में गुरबानी से कुछ एग्जाम्पल तो दे सकती हूँ, पर वो गलत होगा जी. मैं रब और उसके बंदे के बीच नहीं आ सकती. वैसे मैं तो कोई नहीं आपको कुछ बताने वाली, तुसी अपने सारे सवाल रब जी से पूछो, शांति से मन में सारे सवाल लेकर पाठ सुनो, सारे जवाब मिल जाने हैं. इसलिए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को द लिविंग गुरु का खिताब दिया गया है. सच्चे मन से जो सवाल लेकर जाओगे उसका जवाब हुक्मनामे में जरूर मिलेगा. शुक्र है दाता तेरा. मैं क्या मांगूं, कुछ फिर ना रहा. तुसी अपने सारे सवाल रब जी से पूछो, सच्चे मन से जो सवाल लेकर जाओगे उसका जवाब हुक्मनामे में जरूर मिलेगा. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह. जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे. मतलब जो गुरु चरणों में आंदा है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं. इसलिए जीवन में कोई भी मुश्किल फैसला लेना हो, बेहिचक सच्चे दिल से उसका नाम लेकर फैसला ले लो, क्योंकि हमारे फैसले को सही साबित करने के लिए उसका हाथ हमारे सर पे रहता है. आइए सात संगत जी, मिलके फतेह बुलाइए.
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई को, नाम न जाने मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सच्चे पाशाह जी, मेरे वीर दी वोटी ढूंढने में मेरी मदद करो जी। वाहेगुरु के आगे माथा टेके बिना कहीं नहीं आना। ताई जी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ दवाई लेके आती हूँ। दवाई अपना काम करेगी, वाहेगुरु का आशीर्वाद अपना काम करेगा। ताई जी, वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये चक्कर आदि का हाथ पड़ने के लिए आ रहे थे। खैर जी, सन्नू की फिर हमसे ये तो ना कहो ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। दीदी, प्रसाद। भाई गुरु जी, पुत्र जी, तुसी भी प्रसाद लेके जाओ। गिनी पुत्र, एक बार और दो ना।
सैम, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों आ गई? वो एक्चुअली मुझे चक्कर आ रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहो, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मेरे पास है दवाई, आई विल मैनेज। सैम, मैं पूछ नहीं रहा, चलो। आदित्य, उसके हाथ पकड़ रहे हो, उसकी इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? टेल मी आदित्य, अभी बोलोगे कि वो और तुम सिर्फ दोस्त हो? जिस लड़की को मैंने देखा वो सिमरन प्रीति सी। Excuse me, कौन हो तुम? परछाई, मैं गिन्नी। तुम मैंने नहीं पहचानती। फालतू की रिश्तेदारी मत जोड़ो। साफ साफ बताओ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्यों यार, नाराज है क्या हमसे? कोई गलती की है हमने? वैसे नाराज तो हमें होना चाहिए। एक फोन नहीं किता, तूने मेरे वीरे नु पागल कर छड़िया है। और जवाब तो तू दे, इत्थे की कर रही है तू? Just shut up, मैं किसी की परछाई वरछाई नहीं हूँ। और मुझसे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहो, समझी? गिनी, एक्सक्यूज मी। इतनी आसानी से नहीं पता लगने वाला कि सिमरन प्रीति है या कोई और। अगर ये सिमरन प्रीत है तो फिर झूठ क्यों बोल रही है? तो ये भी लगाना पड़ेगा कि इस घर में क्या कर रही है। हाय रब्बा, जब तक सब पता नहीं चल जाता गोली को इससे दूरी रखना पड़ेगा, वरना सब स्यापा हो जाएगा। तू इत्थे की कर रहा है? तैनू अपनी सौ दित्ती सी ना, घर क्यों नहीं गया? मेरा फोन रह गया सी ना तेरे को, तो वो देखने आया था। अच्छा ठीक है, तुम साथ में निकलेंगे, स्नैक्स रख दिए, सिर्फ पेमेंट लेनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, तुसी साडे इत्थे पाठ कीता ते सानू सेवा दा मौका दित्ता। चंगा जी, इजाजत दो, बाकी का सामान गुरुद्वारे पहुंचा देना जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अमर भाई साहब, लास्ट टाइम हमने हरनाज और आदित्य पुत्र के रिश्ते दी बात की थी, उसी बात को आज आगे बढ़ाते हैं। उन मुंडे नो भी बुला लीजिए, ओदी भी रजामंदी ले लिए। जी जी। अंकल थैंक यू मेरी रजामंदी जानने के लिए, पर आई एम सॉरी, मैं हरनाज से शादी नहीं कर सकता। सैम और मैं शादी कर रहे हैं।